तो मैं आपको बता चुका हूँ कि मतलब है ना कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है ना, और पावर में अगर वैल्यू दियो तो उसको सोल्व कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन जो वन आपको दिया हुआ है आपकी बुक में 13.1 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर वन लिखा है फाइंड दी वैल्यू, ठीक है। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? मान ज्ञात करो, है ना। हिंदी में क्या होगा इसमें? मान ज्ञात करो, ठीक है। ओके, तो यहां लिखा है 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 क्या होगा? 2 को 6 टाइम देंगे आप, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई। ये हो गया, कितनी बार आएगा? 10 बार 6 बार 6 बार आएगा। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 तो जाएगा 2 × 2 = 4 4 × 8 8 × 16 16 32 64 64। तो बोला फाइंड दी वैल्यू, वैल्यू फाइंड करो। 2 की पावर 6 की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? इसको क्या करोगे? देख करोगे ना, ऐसे एक्सपेंड करोगे ना इसको, ऐसे एक्सपेंड करने वास्ते इसको सॉल्व कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो दो वैल्यू निकलेगी, वैल्यू निकल गई। तो इसके आगे की जो दो क्वेश्चन है, एक तो दिया हुआ है कि आपको 9 पावर 3, तो इसको कैसे करेंगे? 9 पावर 3 को 9 बना में 3 ऐसे नहीं करेंगे, कैसे करेंगे? 9 को 3 टाइम। हाँ, तो इस जो टेस्ट में गलतियां हो रही है ना, ये गलतियां दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो जाएगा 9 × 9 × 9 9 × 81 81 9 × कितना? 500। कितना? जल्दी बोलो। 7 × 9 मल्टीप्लाई में फास्ट होनी चाहिए। 9 × 81 81 9 × 7 × 9 ओके। बाकी इसमें 2 और दिए हुए हैं, ठीक है। 11 बार कितना दिया हुआ है? 2। और अगला क्या है? तुझे 5 के ऊपर क्या है? 4। इसको अपने आप ट्राई करना है, ठीक है। समझ आ गया पक्का? तो अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। इसको हमें क्या करना है? घातांक के रूप में क्या करना है? प्रेजेंट करना है, ठीक है। एक्सप्रेस करना है घातांक के रूप में, कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 आप मुझे घात के रूप में प्रेजेंट करना है। तो घात का मतलब पता है क्या होता है? एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है ना एक्सपोनेंट का होता है पावर, ठीक है। उस रूप में व्यक्त करना है, कैसे करेंगे? 2 की पावर यही होगा ना, ऐसा नहीं होगा 2 × 4 नहीं ना, ठीक है। 2 की पावर पर इसको जो है ये जो वैल्यू दे रखी है इसको पावर के रूप में प्रेजेंट करने को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। अभी यहाँ पे एक आ गया आपका t × t क्या होगा? t की पावर 2 ऐसा होगा 2t हो जाएगा? नहीं, जो 4 दिया हुआ है 5 × 5 7 × 7 इसको कैसे करेंगे? 5 की पावर 2 7 की पावर 3 ओके। तो इसको बोलते हैं एक्सपेंसिव होना, क्या करना? एक्सप्रेस करना, ठीक है, घातांक के रूप में लिखना। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ठीक है। जितने भी आपको नंबर इस क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है, उन सभी क्वेश्चंस को हमें क्या करना है? एक्सपोनेंशियल नोटेशन में उनको हमें लिखना है। एक्सपोनेंशियल नोटेशन मतलब क्या होगा? घातांक के रूप में लेना या घातांक के संकेत में लिखना, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल नोटेशन बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो जो आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म था वही चीज ये है, ठीक है। तो बोला एक्सपोनेंशियल नोटेशन लिखना है, घातांक के रूप में लिखना, घातीय संकेत में लिखना, एक ही बात है, ठीक है। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है आपका, उसने कहा 512 कैसे करेंगे? तो पैसे पहले हम करेंगे एलसीएम वाले तरीके से, राइट ओके। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना, कंसो हो जाएगा ये 2 × 2 = 4 बन जाएगा 2 × 5 = 10 2 × 6 = 10 फिर 6 × 10
बढ़ जाओ आगे से ऊपर, टू फिर टू पे जाएगा, टू वन जा टू, टू थ्री फोर, टू एट जा, वाह। फिर इसके बाद टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू फोर जा ठीक है, फिर टू थ्री जा सिक्स, टू टू जा ये सोलह पे जाएगा, फिर आठ पे सो, फिर आपके दो हजार आठ पे चला जाएगा, फिर चार, फिर दो, फिर दो पे जाएगा एक, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आ गई हैं, अब इनको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो पहले तो आप लिख लो इसकी पूरी एक्सपोनेंट फॉर्म, लिखो पूरी, मतलब इसको जो है हम ऐसे लिखेंगे, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू, ठीक है, दो गुणा दो गुणा दो, दो गुणा दो गुणा दो, कितनी बार है ये, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये थ्री टाइम्स हो गया, थ्री टाइम्स हो गया, थ्री बार हो, लिख लो, ओके, ये तीन टाइम्स हो गया, ये तीन टाइम्स हो गया, ये तीन टाइम्स हो गया, मतलब पूरा नोट बनो वाले लिख लिया उन्होंने। अब हम उसको क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे तो क्या होगा आपका, ये दो की पावर नौ, तो दो की पावर नाइन आपका क्या कराएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कराएगी, ओके। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन देते रहे उसको, हम इसको ऐसे ही सोल्व करेंगे, ओके। इसका फोर्थ पार्ट है, थ्री वन टू फाइव, थ्री वन टू फाइव, इसको हम सोल्व करेंगे और एक्सप्रेस करेंगे घातीय रूप में, 300 जाएगा, अरे 300 क्यों करेंगे, हमसे 500 कर देना, 5 दिख रहा है तो 500 करो, 500 करो, 500 करो, 5 जा 30, 5 टू 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 50, नहीं भैया बहुत दिमाग चलता है, बेसिक में खराब खराब है, ठीक है, 5 125, ठीक है, फिर 5 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1, हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 टाइम्स, ऐसा नहीं होगा 5 गुणा 5 करके काम करता हूँ, नहीं है ना, जितने वाले था उतने देना पड़ेगा, हाँ यहाँ पे इसको मल्टी करेंगे, मल्टी करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, मल्टी फॉर्म, मल्टी तो हम पहले से रखा है, अब इसको करेंगे 5 की पावर 5, 5 ओवर 5, ठीक है, ओके डन। तो इसमें एक तो आपका इस क्वेश्चन में आपका सेकंड और थर्ड पार्ट वो छोड़ दिया है, वह आपको अपने आप सोल्व करना है, ठीक है, और कोई क्वेश्चन अगर पूछना है तो आराम से पूछ सकते हो।